जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर में खुदरा व्यवसायियों की उत्पन्न समस्या को लेकर कैट कार्यालय में बैठक। मधुबनी जिला के जयनगर में व्यवसायियों की उत्पन्न समस्या को लेकर जयनगर के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट कार्यालय में मंगलवार को अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया, संरक्षक अरविंद तिवारी, अरुण पूर्वे, गणेश जायसवाल, श्रवण महतो, कुलदीप कुमार, अनिल जायसवाल, विनय कुमार सिंह, चतुर्थी शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। इस मौके पर कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो को। लगन का समय चल रहा और लगन के समय में कई व्यापारियों की शिकायत हमारे पास आई और ये पहले से भी कई बार आंदोलन हो चुका है कि खुदरा और थोक मैंने पहले जो चला आ रहा था, चलता जा रहा था किसी तरीके से, लोग भी मैंने कि छोटे व्यापारी भी संतोष कर लिए, लेकिन अब तो ये हो गया है कि ये जो थोक व्यापारी हैं ये बिल्कुल मनमरहू हो गए। मैंने हम सीधा उनको कहना चाहते हैं कि अब आप लोग सीमा को पार कर चुके हैं और हम लोग आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में ये बता देना चाहते हैं कि व्यापार के अंदर भी नैतिकता नाम की चीज़ होती है। मैंने थोड़ा बहुत की गुंजाइश रखनी चाहिए। मैंने हालात ये हो गया है कि वो लोग लगन तो लगन, एक साड़ी साया तक का कपड़ा वो मैंने खुदरा ग्राहकों को दे रहे हैं, तो भाई इससे बढ़िया और होगा कि मैंने कि एक रंगा और ब्लाउज का पीस जो होता है उसको भी वो लोग रख ले और रोड पे खड़ा होकर मैंने कि जो है मैंने कि वो लोग ग्राहकों को बुला ले। मैंने कि जिस प्रकार से खुदरा दुकानदारों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इस बार पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक मैं उनसे अनुरोध किया था, आग्रह किया था, लेकिन मैं सीधे शब्दों में हमें बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का ये नहीं चलेगा। अगर आप लोग इसको बंद नहीं करेंगे तो हम लोग इसके खिलाफ दूसरी भी रणनीति तैयार करेंगे। और एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं छोटे व्यापारियों को भी कहना चाहता हूँ खुदरा कि सोना बाजार में आप खरीदने की इच्छा रखते हैं तो उसकी कीमत भी तो दीजिएगा। आप अपना हक चाहते हैं लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए आप उतरना नहीं चाहते हैं, तो स्थिति ये होगा कि आने वाले समय में आपके बच्चे जो है इनके यहाँ नौकरी करेंगे। बहुत सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए। और जो स्थिति इन लोगों ने बना के रख दिया है, बाजार के अंदर आप लोग भी रहते हैं, आप देख लीजिए कि पूरा बाजार के अंदर जो भी मैंने खुदरा के मैंने की दुकानदार हैं उन सभी लोगों की स्थिति यह है कि वो सूना हो रखा है और ये लोग जो है उन्हीं के ग्राहकों को, ये तो वही चीज़ हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मैंने कि हिंदुस्तान में राज करने आई, व्यापार करने आई थी और पूरे हिंदुस्तान को उन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो ये होलसेलर वही कर रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा आगे से कि अगर किसी होलसेलर के साथ, मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, किसी होलसेलर के यहाँ किसी प्रकार का कोई बात अगर होता है तो हमारे किसी खुदरा भाइयों का सहयोग और कैट का सहयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा इस विषय पे। क्योंकि हम लोग एक चीज को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग बिल्कुल मैंने की नीति से हट चुके हैं। इन लोगों के अंदर नैतिकता नाम की चीज बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इन लोगों का उद्देश्य एक ही रह गया है कि खुदरा दुकानदारों के तड़पना है और उनके हक को मार के खाना है। खाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतना याद रख लीजिए कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और इस बार कैट पूरी मजबूती से मैं और भी मैंने के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, मैं आप पत्रकारों से के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो उन संगठनों से भी जाके पूछे कि उन्होंने खुदरा व्यापारियों के लिए क्या किया। क्या सिर्फ मैंने सदस्यता का रुपया ही लेना मैंने कि अब एक काम रह गया है क्या? व्यापारियों को सुरक्षा और उनके व्यापार कैसे पनपेगा, ये आपका उद्देश्य नहीं है? सिर्फ पैसा लेना उद्देश्य रह गया? बगल में मैंने छोटी सी मंडी है मांसोपट्टी, छोटी सी मंडी है लदनिया, वो मैंने कि कहीं से कहीं चली गई। अनुमंडलीय बाजार है जयनगर और पूरा का पूरा बाजार का व्यापार जो है ध्वस्त हो गया है। इतने बड़े विषय पे आप मैंने कि संगठन चलाते हैं, हम लोग संगठन चलाते हैं, और जब हमारे व्यापारी का मैंने व्यापार डूब जाएगा तो ये संगठन चला के क्या फायदा है? मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस विषय पे अगर मैंने कि आप लोग
माने कि पहल नहीं करेंगे तो कैट पहल करने के लिए तैयार है, ये इस बात को एकदम माने कि डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ। जो बातें आई है निश्चित रूप से जियो और जियो देने की परिभाषा होनी चाहिए, अगर बड़े व्यापारी जीने के लिए स्वतंत्र है तो छोटे व्यापारी को भी हकबारी नहीं होनी चाहिए। यूँ तो हम सभी जयनगर के व्यापारी एक सामाजिक व्यापारी श्याम प्रसाद वाच के निधन पर हम सभी व्यापारी मर्माहत महसूस कर रहे हैं, परंतु स्थिति परिस्थिति के अनुकूल निश्चित रूप से कैट के माध्यम से हम सभी सदस्य आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो बड़े व्यापारी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे किसी भी तरह के अनियमित काम करने वाले के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं अरविंद तिवारी, उप पार्षद प्रतिनिधि, भाजपा नेता जनगर। व्यवसाय का बहुत दयनीय, छोटे व्यापारी का स्थिति ऐसा हो गया कि वो कहीं का नहीं है। पिछले बीते वर्ष मतलब जो स्थिति था उससे साफ अलग इस बात देखने को मिल रहा है। हम तो कहेंगे सभी खुदरा व्यापारी एक साथ होके जितना थोक व्यापार करता है सभी के यहाँ जा जाके और शटर गिरा के उसका व्यवसाय बंद करें, यही हमारा मांग। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।